हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए नेक्सा की बलिनो लेके आए हैं। दो रीजंस हैं जो मेरे को मेन अट्रैक्शन दिया इस गाड़ी ने। आप लोग नाराज़ रहते हैं मुझसे कि मैं मारुति की कारें नहीं करती हूँ, लेकिन ये कार मैं स्पेशली एक्सक्लूसिवली आपके लिए लेके आई हूँ। नंबर वन रीज़न इज़ जो मारुति है वो हमारा इंडिया का हाईएस्ट ब्रांड माना जाता है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड माना जाता है। और नंबर टू जो बलिनो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली अपनी सेगमेंट की कार है। तो ये क्या चीज़ें इस गाड़ी के अंदर हैं कि इतनी ज़्यादा ये फेमस हुई थी, इतनी ज़्यादा बिकी थी ये, और अब इसकी नेक्स्ट जनरेशन आई है। दिस वन इज़ द सेकेंड जनरेशन। पहले वाली जनरेशन का एक फेसलिफ्ट आया था, वो भी आपका हिट शो रहा था। और इस जनरेशन के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं, जो एडवांसमेंट कंपनी लेके आई है, जो टेक के ऊपर इन्होंने काम किया है, जो इंजीनियरिंग यहाँ पर यूज़ की गई है, एवरीथिंग इज़ सो माइंड ब्लोइंग। मतलब सीरियसली, मैं इसका ब्रोशर पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मेरा पूरा दिमाग हिल गया कि यार, जो करोड़ों करोड़ की गाड़ी में फ़ीचर्स होते हैं वो इस बार मारुति ने अपनी बलिनो में दिए हैं, नेक्सा ने अपनी बलिनो में दिए हैं। वो क्या चीज़ें हैं सारे आपसे डिस्कशन करती हूँ मैं। पहले हम बात करेंगे इस कार की डिज़ाइनिंग की, फिर हम चलेंगे कार के इंटीरियर में, फिर हम बात करेंगे इसके फीचर्स की, फिर बात करेंगे इसके इंजन की, इसकी सेफ्टी की एंड प्राइस की। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ सारी चीज़ें वन बाय वन, लेट्स स्टार्ट। फ्रंट प्रोफाइल की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट इस कार का बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत स्मार्ट है। कार फुल ऑन स्पोर्टी आपको लगेगी फ्रंट से। अगर मैं बात करूं इसके ग्रिल स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे नेक्स्ट वेव ग्रिल स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है। सुजुकी का लोगो यहाँ पे प्लेस किया गया है। नीचे की साइड में आपके पास रेडिएटर ग्रिल है, ये आपकी स्किड प्लेट दी गई है। यहाँ पर आपके पास LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं अलॉन्ग विद द DRL। ये नीचे की साइड में आपका फॉग लैम्प प्लेस किया गया है। क्रोम का बहुत स्मार्टली कई सेगमेंट्स में यूज़ किया गया है, जो बहुत अच्छा लग रहा है। कार को बहुत क्लासी और एलिगेंट लुक प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं पर्टिकुलर इस मॉडल की बात करूँ, दिस वेरिएंट इज़ अल्फा, और इसके अंदर ये जो इनका कलर है, दिस वन इज़ द फ्लैगशिप कलर। मैं बोलूँगी बहुत अच्छा कलर लग रहा है। इन पर्टिकुलर भी अगर आप इसको देखेंगे, पर्सनली देखेंगे, तो बहुत स्मार्ट कलर है। और क्या बोलूँ मैं, मेरे को पर्सनली बलिनो पहले से बहुत पसंद है अपने लुक्स के लिए। इस बार ये और एलिगेंट लग रही है, और क्लासी लग रही है। आपको एक और रीज़न देगा ये अपने आपको खरीदवाने का गाड़ी, क्योंकि जो इसकी लुक्स है उस पर बहुत अच्छा और स्मार्ट काम किया गया है। आइए इसके साइड प्रोफाइल पे चलते हैं। साइड प्रोफाइल में जाने से पहले एक बार फ्रंट पे आप दोबारा आइए। फ्रंट पे कुछ चीज़ें हमसे मिस हो गई है जो आपको मैंने नहीं बताई है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर देखिए, इस बार ये कार आपकी 360 डिग्री कैमरा कवरेज के साथ आती है। फ्रंट में आपको कैमरा दिया गया है यहाँ पर, जो आपकी लास्ट जनरेशन थी उसके कंपेरिजन में लाइट स्ट्रक्चर को बहुत बेटर किया गया है। DRL बहुत स्मार्टली प्लेस किए गए हैं। ये भी आपका LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प इस बार दिया गया, जो पहले आपका नॉर्मल आता था। और इन टोटल आप बात करेंगे बम्पर की, स्किड प्लेट और टोटल स्ट्रक्चर की फ्रंट से, तो लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में इस बार नेक्सा ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ब्रिलियंट वर्क किया है। कार सुपर स्टनिंग लग रही है। साइड प्रोफाइल पे आते ही आपकी सबसे पहले नज़र पड़ेगी इसके 16 इंच डायमंड कट ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स के साथ, जो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और पीछे आइए, यहाँ पर आपका ORVM दिया गया है अलॉन्ग विद LED स्ट्रिप, या आपका टर्न इंडिकेटर का काम करता है। यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं अलॉन्ग विद रिक्वेस्ट सेंसर। और पीछे की तरफ आइए, इसका जो फ्यूल टैंक है वो इसका पैसेंजर साइड पे प्लेस किया गया है। टैंक की कैपेसिटी इज़ 33 लीटर्स। अगर आप बात करेंगे इस कार की एवरेज की, तो अगर आप परचेज करते हैं मैनुअल वेरिएंट तो वहाँ पर आपको एवरेज मिलेगी 22.34, और अगर आप इसमें खरीदेंगे AGS ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग वाला वेरियंट अगर आप खरीदते हैं, तो ये माइलेज आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 22.94, अप्रॉक्सीमेटली 23। बैक प्रोफाइल की भी अगर आप बात करेंगे लुक की, जो सबसे पहली चीज़ हमारे मुँह से निकलेगी, दैट इज़ वाओ, बहुत अच्छी कार लग रही है। मैं तो बोलूँगी यार, मुझे बहुत स्पोर्टी व्हीकल जैसा इसका लुक लग रहा है। बहुत मस्कुलर या अग्रेशन वाला लुक नहीं बोलेंगे इस कार को, हम फुल ऑन स्पोर्टियर लुक वाला व्हीकल बोलेंगे। बलिनो बहुत स्मार्ट लग रही है, सीरियसली, नो डाउट। सबसे ऊपर आपका एंटीना दिया गया है, ये आपका स्पॉयलर है, ये आपकी ब्रेक लाइट है, दिस इज़ योर डीफॉगर, योर वाइपर, सुजुकी का लोगो यहाँ पे दिया गया है, बलिनो यहाँ पे मेंशन किया गया है। LED टेल लैंप आपको दिए गए हैं, जो बहुत एलिगेंट लग रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। रिफ्लेक्टर्स प्लेस किए गए हैं यहाँ पर। सेंसर्स दिए गए हैं आपको बैक साइड में। ऊपर की साइड में आपका रियर पार्किंग कैमरा प्लेस किया गया है, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट की जगह है। और जो आपका एग्जॉस्ट है वो नीचे है, और उसी के साथ आपका टो हुक दिया गया है। तो ये था हमारा इन टोटल बलिनो का एक्सटीरियर लुक, जो यस, नो डाउट, बहुत पसंद आने वाला है। अगर आप इस कार को कंसिडर कर रहे हैं तो यार, लुक के पैरामीटर पे तो ये गाड़ी फेल नहीं होने वाली। पहले टेस्ट में ये गाड़ी पास हो गई है हमारी तरफ से। अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में। स्टार्ट करूँगी मैं इसके बूट से।
यहाँ पर 318 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है, अच्छा खासा बूट स्पेस आपके पास है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, आपके बहुत सारे लगेज, बहुत सारे हैंडबैग्स आने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है स्पेस की। मुझे काफ़ी ह्यूज साइज़ का लग रहा है ये। यहाँ पर इसका स्पेयर टायर प्लेस किया गया है, इसका साइज़ इज़ 15 और ये अलॉय व्हील्स के बिना मिलता है आपको, स्टील रिम के साथ आपको मिलता है। और जैक एंड टूल किट की जगह आपको यहाँ मिल जाएगी। अंदर की साइड में आपको लाइट्स भी दी गई है। अब चलते हैं कार के रियर सीट्स पे। सबसे पहले इसका डोर देखिए, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही कलर अंदर भी कंपनी ने थोड़ा सा देने की कोशिश की है, ब्लैक और ये ब्लू का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, नेवी ब्लू ये कलर है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ब्लैक पियानो फिनिश का इसमें यूज़ किया गया है। ये आपके पास पावर विंडो का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा, आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक के लिए दिया गया है। नीचे की साइड में आपका बॉटल होल्डर है और ये है आपका स्पीकर। चलिए अब ऑल न्यू बलिनों के अंदर एंटर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिटिंग कंफर्ट की। यस, नो डाउट सिटिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल, बहुत कुशनी इसकी सीट्स हैं, बैक भी इसका बहुत सॉफ्ट आपको लगेगा। अगर आप 5 जने ट्रैवल करते हैं तो इनफैक्ट जो सेंटर में भी बैठ रहे हैं उनको भी बहुत कंफर्टेबल फील होगा कि जो बैक है आपका वो बहुत कंफर्टेबल है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि ये और ये पैसेंजर से बेटर जो पीछे का सपोर्ट है वो बीच वाली सीट पर बहुत अमेजिंग है, अच्छा लगा मुझे इसका। फैब्रिक का इसमें यूज़ किया गया है और ये जो पर्टिकुलर मॉडल या वेरिएंट आपके लिए जो हम लेके आए हैं, दिस इज़ बलिनो अल्फ़ा टॉप वेरिएंट है, इसके अंदर फैब्रिक का यूज़ किया गया है। तो आपकी चॉइस है यार, आप मॉडिफिकेशन तो ज़रूर कराएंगे तो सीट कवर आप कैसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना जो कंपनी देती है ज़्यादातर उसके ऊपर ही रहना चाहिए, वही अच्छा होता है ज़्यादा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत छेड़खानी ज़रूर करनी चाहिए, उसका भी अलग ही मज़ा है। और देखिए, अगर हम और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट नहीं दिया गया है, लेकिन उसका कोई आपको डिसएडवांटेज नहीं लगेगा, वो भी एडवांटेज है। तभी मैंने आपको बताया जो सेंटर में बैठेंगे उनके लिए जो बैक है जो हमेशा यूजुअली बहुत हार्ड होता है बिकॉज ऑफ दैट हैंडरेस्ट, क्योंकि उसका प्लेसमेंट इस तरीके से होता है उसका बैक बहुत हार्ड होता है। यहाँ पर दिस इज़ सुपर कुशनी पार्ट, बहुत अच्छा है ये। और इस साइड में अगर फ्रंट में आप लोग देखेंगे तो आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं। नीचे की साइड में आपके पास टाइप सी और यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। उसके नीचे एक छोटा सा स्टोरेज है, अपना कुछ छोटा मोटा सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही छोटा होना चाहिए तभी आएगा वो। चलिए अब चलते हैं कार के फ्रंट पर। फ्रंट में जाने से पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है जो आपको ड्राइवर साइड पर और पैसेंजर साइड दोनों पर दिया गया है। की हेल्प से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अंदर इसका डोर देखिए, ये कार आपकी पावर विंडो ऑप्शन के साथ आती है, चारों विंडो आपकी पावर विंडोज़ हैं और जो आपका मेन ड्राइवर वाला विंडो है वो आपका सिंगल टच अप एंड डाउन और एंटी पिंच फंक्शन के साथ आता है। यहाँ पर लॉक अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दिया गया है, दिस इज़ फॉर ORVM कंट्रोल। छोटा सा स्टोरेज आपको यहाँ पर दिया गया है, या फिर आप इसको ग्रैब हैंडल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे के साइड में आपकी बॉटल होल्डर है और छोटी सी स्टोरेज दी गई है। क्रोम डोर हैंडल दिया गया है, इससे आप लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। अब चलते हैं इस कार के अंदर। कार के अंदर जाने से पहले देख लीजिए, इस कार के अंदर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है, टॉप एंड वेरिएंट है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ। अब चलते हैं अंदर, और जो इस कार के अंदर है वो आपको वो फीचर्स मैं बताऊंगी जो आपको इस सेगमेंट की किसी कार में नहीं मिलने वाले, जो इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो आपको बताते हैं। जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो लगी है, दैट इज़ नंबर 1, हेड्स अप डिस्प्ले। ये मुझे सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लगी है इस कार के अंदर, जो इस सेगमेंट की कार में आपको नहीं मिलेगा। आपको अपनी स्पीड, आपको अपना फ्यूल सब बिल्कुल आपके सामने फ्रंट में दिखाई देगा। प्लीज़ फिल द टैंक इमीडिएटली। देखिए, वो आपको बता रहा है कि फ्यूल लेवल इज़ लो, यू हैव टू फिल अप द टैंक। हेड्स अप डिस्प्ले के बाद जो दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग फीचर है वो है, इस कार के अंदर आपको 360 डिग्री पार्किंग मिलती है, वो पार्किंग कवरेज मिलती है ताकि आपको बहुत इजी हो इस कार को पार्क करना। बहुत स्वीट सी छोटी सी गाड़ी है ये, वैसे इसको ईजी होता है पार्क करना, लेकिन अब आप इसको बहुत कन्वीनियंटली कम्फर्टेबली पार्क कर पाएंगे और आपको पूरा एक्सेस मिलेगा रोड पर, साइड व्हीकल से, आपके बैक पे कोई चीज़ है, हर चीज़ से। तो बहुत मुझे ये भी अच्छा लगा इसमें। सामने की साइड में हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसको फुल ऑन वाइट लुक दिया गया, बहुत अच्छा दिख रहा है ये, बहुत क्लियरली इसकी रीडिंग्स विजिबल है आपको। इस साइड में आपका RPM मीटर दिया गया है, राइट हैंड साइड में आपका स्पीडोमीटर है, बीच में आपका MID प्लेस किया गया है जो आपको बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन देगा, लाइक योर एवरेज फ्यूल, योर ड्राइविंग टाइम, आपको इनफैक्ट इसके अंदर टॉर्क और आपकी पावर किस पार्ट पर कितना है वो भी आपको दिखाई देगा। किसी पर्टिकुलर आप ट्रिप पे हैं तो आप कहीं कहीं अलग अलग पॉइंट्स पे जाकर अपना टॉर्क और पावर को चेक कर सकते हैं। कार के अंदर आपको लेदर रैप्ड स्टेयरिंग दिया गया है, दिस इज़ 3-स्पोक स्टेयरिंग। यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम अप डाउन ऑप्शन दिया गया है, आप अपना मोड चेंज कर सकते हैं।
राइट हैंड साइड में आपको क्रूज कंट्रोल दिया गया है, नीचे की साइड में आपको बटन्स दिए गए हैं फॉर वॉइस कमांड एंड अपना फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो आपका लीवर दिया गया है दिस इज़ फॉर लाइट एंड दिस वन इज़ फॉर वाइपर, और जो आपकी लाइट्स है वो आपकी ऑटोमेटिक हैं। अगर आप स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो ये स्टेयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ मिलता है। यहाँ पर जो आपका पैनल दिया गया है इससे आप अपना हेड्स अप डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा कवरेज के लिए है ये, और ये है आपका ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप। यहाँ पर जो आपको बटन दिया गया है दिस इज़ फॉर इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप, और ये जो नॉब आपको दिया गया है दिस इज़ योर हेडलाइट लेवलर। नीचे की साइड में आपको छोटा सा स्टोरेज दिया गया है, यहाँ से अपना फ्यूल टैंक आप ओपन करेंगे और यहाँ से अपना हुड ओपन करेंगे। सेंटर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 9 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है विद ब्लैक पियानो फिनिश। बहुत स्मार्ट लग रहा है, बहुत एलिगेंट ये लग रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इसमें लगी है दैट इज़ सुजुकी कनेक्ट। आप अपनी कार को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और कार का फुल ऑन कंट्रोल आपके हाथ में होगा। आपने सपोज ड्राइवर को गाड़ी दे सकती है तो वो अपनी आप स्पीड चेक कर सकते हैं, उन्होंने स्पीड बेल्ट लगाई है नहीं लगाई है आपको वो पता चल जाएगा। कार अगर टो हो रही है आपको वो भी पता चल जाएगा, और गाड़ी इस टाइम पर कौन सी लोकेशन पर है तो वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मीन्स इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कार से रिलेटेड हर छोटी मोटी बातें आपको पता होगी विद द हेल्प ऑफ सुजुकी कनेक्ट। एंड अगेन टू मेंशन, ये अपनी सेगमेंट में पहली बार दिया गया है, इस सेगमेंट की किसी और कार में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। और इसे मैं फर्स्ट एंड सेगमेंट इसलिए कह रही हूँ, वैसे आपको मिल जाएगा ये अल्ट्रोज वगैरह में भी मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर कई चीज़ें इस सुजुकी कनेक्ट में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेगा, जैसे आप एलेक्सा वगैरह को सबको ऑपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सुजुकी कनेक्ट। और जो आजकल के लेटेस्ट है कि जैसे आपका एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सब भी इसके अंदर दिया गया है और ये वायर्ड है, और जो भी आपसे रिलेटेड चीज़ें जैसे आपकी रेंज है, किलोमीटर से एवरेज है, वो सब भी आपको बहुत क्लैरिटी के साथ अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम पे दिखाई देंगी। नीचे की साइड में आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं, उसके नीचे आपके पास एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं, और ये जो आपके नॉब्स हैं ये आपको कॉकपिट जैसा फील देता है। बहुत स्मार्ट लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है ये। इन टोटल अगर हम कंप्लीट डैशबोर्ड लेआउट की बात करेंगे तो इस बार कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया। नेक्सा के प्रोडक्ट बहुत अच्छे ही होते हैं, बहुत प्रीमियम चीज़ों के ऊपर ये लोग काम करते हैं और ट्राई करते हैं उस चीज़ को मेंटेन करने की, तो बहुत ब्यूटीफुली उसे मेंटेन कर पाए हैं। चाहे यहाँ पर सिल्वर का यूज़ हो, ब्लैक हो, अलग अलग टेक्सचर में इन्होंने प्लास्टिक का यूज़ किया है। प्लास्टिक की क्वालिटी नो डाउट अच्छी लग रही है और फिट एंड फिनिश में आपको कोई कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगेगा। नीचे की साइड में आपको USB पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, छोटा सा प्लेसमेंट यहाँ पर है, कोई सामान रख सकते हैं, ट्विन कप होल्डर इज़ देयर। ये आपका मैनुअल गियर लीवर है, ये आपका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, और ये है आपका मैनुअल हैंड ब्रेक। कार के अगर हम ग्लासेस की भी बात करें तो यहाँ पर आपको UV कट ग्लासेस दिए गए हैं। इन ग्लासेस की हेल्प से आपकी जो कार है वो ज़्यादा हीट नहीं होगी, जैसे बहुत बार होता है ना हम लोगों ने खड़ी कर दिया धूप में और जब आके बैठते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है, तो ये ग्लासेस आपकी बहुत हेल्प करेंगे कि जो आपके अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो कार के अंदर ज़्यादा एंटर ना करें, उसको प्रोटेक्ट करता है आपको कार को, कैबिन को बहुत कम्फर्टेबली अच्छे टेम्परेचर पर मेंटेन करने में। ये है इसका हैंड रेस्ट जो स्लाइडिंग है, जिसे आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आगे और पीछे कर सकते हैं, और इसमें छोटा सा स्टोरेज भी दिया गया है। ये है आपका ग्लव बॉक्स जिसमें आप बुक रखने के बाद भी काफ़ी सामान रख सकते हैं। जो इस कार के अंदर म्यूजिक सिस्टम यूज़ किया गया है उसे कंपनी ने नाम दिया है स्मार्ट प्ले स्टूडियो प्रो प्लस। इस कार के अंदर आपको 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर मिलते हैं। अब बात करते हैं इस कार की सेफ्टी की। जो बॉडी यहाँ पर यूज़ की गई है उसे सुजुकी कहता है सुजुकी टेक बॉडी। इसमें एयरबैग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। ABS आपको मिल जाएगा, EBD आपको मिल जाएगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे, चाइल्ड लॉक इसके अंदर दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ देयर। तो आप बोल सकते हैं कि सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अगर हम ब्रेक्स की भी बात करें तो फ्रंट में यहाँ पर डिस्क ब्रेक आपको मिलेंगे और बैक साइड पर रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। तो सेफ्टी मीटर के ऊपर बहुत काम किया गया, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा गया। अब बात करते हैं इस कार के इंजन की। इसके अंदर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का यूज किया गया है। जो नया एड ऑन चीज आपको इसके अंदर दिखाई देगी वो है नीचे की साइड, देखिए ये पहले ओपन आता था, अब इसे नीचे पूरा कवर कर दिया गया है, इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। अगर मैं बात करूं ये गाड़ी आपको पावर कितनी देगी तो ये गाड़ी आपको पावर देती है 83 BHP की, और ये पावर आपको मिलेगी एट 6000 RPM। और अगर आप टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क आपको यहाँ पर मिलेगा 113 न्यूटन मीटर का, और इसको आप रीच कर लेंगे एट 4500 RPM।
कार का प्राइस बताने से पहले आपको इसकी की दिखा देती हूँ, जो मैंने आपको नहीं दिखाई है, सॉरी भूल गई थी मैं। इसकी जो स्मार्ट की है, यहाँ पे सुजुकी का लोगो दिया गया है, ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर है ये। बैक साइड में आपके पास लॉक का ऑप्शन है, अनलॉक का ऑप्शन है, और अगर आपको मैनुअल की निकालनी है तो आप इसको हल्का सा स्लाइड करेंगे तो आपकी मैनुअल की ऐसे बाहर आ जाएगी। तो इन केस अगर आपका बैटरी इसकी डाउन हो जाती है तो आप मैनुअल की हेल्प से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और अब फाइनली बात करेंगे इस कार के प्राइस की। ये जो मॉडल हम लेके आए हैं, दिस इज़ बलिनो अल्फ़ा, ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है। इसका जो प्राइस है, अगर आप मैनुअल ख़रीदते हैं, इसमें दो आपको मिलेंगी गाड़ियाँ, एक मैनुअल के साथ है, एक AGS है ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग के साथ। अगर आप मैनुअल ख़रीदेंगे तो 8.99 ये इसका एक शोरूम है, और अगर आप AGS पे जाते हैं तो उसके अंदर आप 50,000 को ऐड कर लीजिए। सो दैट्स इट विद बलिनो अल्फ़ा। बहुत स्मार्ट कार है, बहुत अच्छी कार है, और जो इस गाड़ी के लिए टैगलाइन भी यूज़ किया गया है वो है टेक गोज बोल्ड। एंड येस, नो डाउट, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत बोल्डर यूज़ किया गया है। वो फीचर्स आपको दिए गए हैं जो मैंने आपको बताए सारे, जो इस सेगमेंट की किसी और कार में मिलना बहुत मुश्किल है आपको। और सारी चीज़ें गिमिक नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर ऑपरेशनल है, वर्किंग है, और बहुत काम की चीज़ें हैं। कोई भी ऐसे ऐड ऑन फालतू की चीज़ नहीं की गई है। तो मैं सजेस्ट करूँगी, जो लोग इस बजट में कार देख रहे हैं, बलिनो को एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा, अपनी लिस्ट में इस गाड़ी को शामिल ज़रूर कीजिएगा, टेस्ट ड्राइव करके देखिए, इसके फीचर्स सारे चेक कीजिए, और फिर अपना फ़ैसला कीजिएगा। इस गाड़ी को छोड़ना नहीं है, ज़रूर कंसिडर कीजिएगा ख़रीदने से पहले। तो चलिए, फिर मिलेंगे आपसे दोबारा। बलिनो के सारे वेरिएंट्स आपको मैं दिखाऊंगी, आज मैंने आपको अल्फ़ा दिखाया है, आपको इसका बेस वेरिएंट भी दिखाएंगे, सारे वेरिएंट दिखाऊंगी वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।